दमोह जिले के बटियागढ़ में माता सावित्री बाई फुले शासकीय महाविद्यालय में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम BSW और MSW की कक्षाओं का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित नरेंद्र व्यास एवं बटियागढ़ सरपंच प्रतिनिधि करण सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद बिलाल समन्वयक उमाशंकर उपाध्याय ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए पाठ्यक्रम के विषय में विस्तार से जानकारी दी। ACN रिपोर्टर विनोद उदयनिया की रिपोर्ट। जो अनिवार्य है जिसमें दो मेजर सब्जेक्ट हैं और एक माइनर सब्जेक्ट है, समाज कार्य एवं अन्य अवधारणा, ये दो मेजर सब्जेक्ट हैं। एक है विकास की अवधारणा एवं क्रियान्वयन, माइनर सब्जेक्ट, यानी तीन विषय ये अनिवार्य हैं। इसके बाद अभी हम आपको जो बुक्स देंगे तो आप देखेंगे तो उसमें व्यावसायिक विषय की एक सूची है। पहले वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय में बड़ी प्रसन्नता होती है जिसमें हमारे युवाओं का विकास हो, ऐसी पढ़ाई हमारी सरकार ने, इसे आपने बताया कि आज से जो ये चल रहा है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं मूल धारणा जो है गवर्नमेंट की वो यही है कि आप लोग किताबी ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं, MA कर लेते हैं और अन्य विषयों में भी BSc वगैरह जो भी करते हैं, मगर आपको अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ऐसे गुण भी सीखना चाहिए जिससे अगर नौकरी ना भी लगे, क्योंकि सभी लोगों को नौकरी इस बढ़ती हुई जनसंख्या में संभव नहीं है। तो अगर आपको ये जो विषय आपने बताए हैं तो इन विषयों में अपनी समाज की सेवा करने का भी आप विषय ले सकते हैं। किसानी जो कृषि, अपन सभी लोग किसान के कोई बेटे हैं, कोई किसान है, हम लोग भी किसानी करते हैं, देखते हैं, तो उसमें भी आप अपना नॉलेज ले सकते हैं और उसमें प्रगति कर सकते हैं, उससे जो जुड़े हुए व्यवसाय हैं वो कर सकते हैं। और जो सरकार अभी चाह रही है कि हमारी जो युवा शक्ति है उसको अच्छे कामों से जुड़ना चाहिए, या समाज सेवा करना तो प्राय आप सभी को अपना धर्म मानना चाहिए और अच्छी सोच के साथ जीवन जिए, सिर्फ अपने लिए न जिए, समाज के लिए जिए, प्रदेश के लिए जिए, देश के लिए जिए।